द्रव्य संग्रह प्रश्नोत्तरी। सर्वप्रथम भूमि का या जो आचार्य परिचय है यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे द्रव्य संग्रह ग्रंथ के रचयिता का नाम, आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव। कई बार विकल्पात्मक प्रश्नों में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती भी दिया होता है और सिद्धांति देव भी दिया होता है, तो आपको ध्यान से सिद्धांति देव को चुनना है। इस ग्रंथ में कितनी गाथाएं हैं, तो आपको ध्यान रखना है 58 गाथाएं हैं। इस ग्रंथ की टीका किन्होंने लिखी है, तो इस ग्रंथ की टीका जो व्रत द्रव्य संग्रह के नाम से छपी हुई है उसके रचयिता हैं ब्रह्मदेव सूरी। इस ग्रंथ की रचना कहाँ हुई, तो इस ग्रंथ की रचना केशव राय पाटन में हुई। प्रश्न पूछा जा सकता है केशव राय पाटन में मूल नायक भगवान कौन से हैं, तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की छत्र छाया में ये ग्रंथ लिखा गया। ये ग्रंथ किसके निमित्त से लिखा गया, सोम नाम का जो श्रेष्ठी था उसके उपदेश के लिए आचार्य ने इस ग्रंथ की रचना की। बस इतना ही हमको अच्छी तरह याद रखना है परिचय से, विशेष कोई आचार्य का परिचय उपलब्ध नहीं होता। अब हम चलते हैं गाथाओं में से कैसे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले गाथा नंबर 1 मंगलाचरण। हमको यद्यपि पूरा ग्रंथ पढ़ना है, समझना है और पाठ पूर्वक याद भी करना है, फिर भी यदि किसी भी क्षेत्रों में कमी है और वह याद नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें कम से कम आधा ग्रंथ अर्थात 27 गाथाएं तो कम से कम याद करनी ही है। 27 गाथाओं को अच्छी तरह आपको रोज पाठ करना है और उन्हें याद करने के पश्चात उनके नीचे अन्वय अर्थ में जो अर्थ दिया हुआ है उसे अच्छी तरह याद कर लेना है। इससे आपकी परीक्षा में लगभग 70 मार्क कवर किए जा सकते हैं। 50 नंबर का पेपर है तो उसमें आप 35 नंबर कम से कम प्राप्त कर पाएंगे, इसे बोलते 70%। ठीक है, चलो सबसे पहले गाथा नंबर 1 मंगलाचरण। किसी भी ग्रंथ को आप पढ़ें तो उसका मंगलाचरण अर्थ सहित जीवन भर के लिए याद रखना। क्यों, कभी कोई पूछे कि आपने उस ग्रंथ को पढ़ा था तो उस ग्रंथ में क्या मंगलाचरण था, या कभी किसी सभा में आप बैठे हो कोई कहे मंगलाचरण कर दीजिए तो आप यहाँ वहाँ ना देखें, अभी तो आप खड़े हो और अच्छी तरह अणमोकार मंत्र पढ़ के और इस ग्रंथ के मंगलाचरण को पढ़ें, तो लोगों को लगे अच्छा ये द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम के स्टूडेंट हैं, ये स्वाध्यायी कैसे होते हैं। ठीक, आगे तो मंगलाचरण याद करके रखना है अर्थ सहित। प्रायः ऐसा पूछ लिया जाता है इस ग्रंथ का मंगलाचरण लिखिए, कभी मंगलाचरण अर्थ सहित लिखिए। मूल में द्रव्य कितने प्रकार का है, मूल में द्रव्य 2 प्रकार का है, ये विषय ध्यान रखना, जीव और अजीव। फिर अजीव के 5 भेद हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है, उत्तर
मंगलाचरण में तीर्थंकर वृषभदेव को नमस्कार किया गया है। वृषभदेव की क्या विशेषताएं हैं? तीर्थंकर वृषभदेव की दो विशेषताएं हैं। पहली, वे जीव अजीव आदि द्रव्यों का कथन करने वाले हैं, और दूसरी, वे देवों के समूह के द्वारा वंदनीय हैं। देव और इंद्रों के समूह द्वारा वंदनीय हैं। नेक्स्ट, इंद्र कितने प्रकार के होते हैं? इंद्र 100 प्रकार के माने गए हैं। यद्यपि ये कभी डिटेल में नहीं पूछा जाता, फिर भी यदि कहीं पूछ लिया जाए कि 100 प्रकार के इंद्र कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है भवनवासी के 40, व्यंतरों के 32, कल्पवासियों के 24, सूर्य चंद्र सिंह और चक्रवर्ती। भवनालय चालीसा व्यंतर देवानुभूति बत्तीसा, कप्पामय चौबीसा चंद्रो शूरो नरो तिरो। आचार्य भगवान आदिनाथ को कैसे नमस्कार करते हैं? उत्तर, मस्तक झुकाकर, शीर्षा। ठीक, ये प्रश्न आपके गाथा नंबर 1 से बन सकते हैं। अब चलते हैं हम गाथा नंबर 2। गाथा नंबर 2 प्रश्नोत्तरी। सबसे पहले तो हमको जीवन भर के लिए ये गाथा नंबर 2 याद कर लेनी है। क्यों? क्योंकि यदि हमने गाथा नंबर 2 याद कर ली तो हमें 14 जो आगे वाली गाथाएं, मतलब 14 नंबर तक की जो गाथा है, ये गाथा का भाव समझ में आ जाएगा। ये उसका सारांश, उत्थानिका, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन है। इसलिए इसको यदि हमने याद कर लिया या इसको हमने अच्छी तरह समझ लिया तो आगे का सारा विषय एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो हमको याद रखना है कि गाथा नंबर 2 मुख्य है, और इस गाथा नंबर 2 में जो जीव के 9 अवांतर अधिकार, ध्यान से रखें शब्द क्या है, अवांतर अधिकार, अवांतर अधिकार रखा इनके अंडर में या इन शब्दों से शुरू होने वाले अधिकार या जीव की 9 विशेषताएं। पहली, जीव की 9 विशेषताएं लिखिए द्रव संग्रह के आधार से, या जीव की विशेषताएं लिखिए। तो क्या लिखना आपको, जीव जीता है, उपयोग वाला है, अमूर्तिक है, करता है, भोगता है, स्वयं के शरीर प्रमाण है, संसार में स्थित है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। ये जीव की 9 विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर जो भावार्थ के अंदर आपको अन्य मतों से चर्चाएं दी गई हैं, ये आपके परीक्षा का विषय नहीं बनती, लेकिन फिर भी एक धारणा के लिए या जिनका क्षयोक्षम तीव्र है वो इस विषय को भी अच्छी तरह स्मृति में रखें कि देखो अन्य मत वाले इसको इस रूप में मानते हैं, उसका खंडन करने के लिए आचार्य ने इस बात को हमारे सामने प्रस्तुत किया। गाथा नंबर 3। गाथा नंबर 3 में जीता है तो कैसे जीता है,
तो जीव प्रश्न बन सकता है, जीव तीनों कालों में कैसे जीता है? उत्तर, चारों प्राणों से, या उत्तर मत प्राणों से। ठीक, निश्चय नहीं से जीव का प्राण है। उत्तर, चेतना। व्यवहार नहीं से जीव के प्राण है इंद्री बल आयु श्वास, या प्राण की परिभाषा या प्राण के भेद, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो प्राण की परिभाषा, जिसके द्वारा जीव जीता है वह प्राण है, और प्राण मूल में चार, इंद्री बल आयु श्वास, और भेद प्रभेद करने पर इंद्री के पांच, स्पर्शन रचना ध्यान चक्षु कर्ण, बल तीन, काय बल वांग वचन बल और मनोबल, आयु एक और श्वास एक, टोटल हुए 10 प्राण। अब चलते हैं भावार्थ की ओर। भावार्थ के अंदर से आपको निश्चय नय किसे कहते हैं, व्यवहार नय किसे कहते हैं, ये परिभाषा के रूप में पूछ लिए जाते हैं, या चारों प्राणों की परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो आपको अच्छी तरह इनको यहाँ से पढ़ के ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, एक इंद्रियाधिक जीवों के प्राण कौन कौन से होते हैं, ये प्रश्न प्रायः पूछा जाता है, फिलिंग दी ब्लैंक्स में पूछ लें, सही गलत में पूछ लें, कहीं भी इसको फिट करके एक ना एक प्रश्न यहाँ से बनता है, कभी बड़ा प्रश्न भी बन जाता है कि एक इंद्रिय से लेकर संगी पंच इंद्रिय तक के जीवों के प्राण लिखिए। तो आपको अच्छी तरह इसे अपने दिमाग में फिट कर लेना है, इस तरफ लिखें जीव, इस तरफ लिखें प्राण, ऊपर लिखें एक इंद्री, एक इंद्री के प्राण चार, दो इंद्री छह, दो प्राण कौन से बल बढ़ गए, रचना और वचन बल, तीन इंद्री के सात, चार इंद्री के आठ, फिर चार संगी पंच इंद्री के नौ, संगी पंच इंद्री के दस, ये प्राणों की संख्या है। इसे चार्ट के रूप में बना के अपने पास जीवन पर्यंत के लिए रख लें। और हर व्यक्ति को मैं बार बार निवेदन करता हूँ, पुनः निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग अपनी एक डायरी बनाएं सुंदर सी, ऊपर लिखें द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम, और जिस वर्ष में आप आते जाते हैं उन ग्रंथों के नोट्स उनमें बनाते जाएं। डायरी अच्छी बड़ी सी, देखो मैं अपनी डायरी आपको दिखाता हूँ, ये पूरी ग्रंथ के आकार में हमारी डायरी है, अच्छी भारी, जो ग्रंथ हम पढ़ते जा रहे हैं उसके नोट्स एक पेज दो पेज चार पेज पांच पेज में बन जाएं ये। और मैंने इसको नाम भी दिया, देखो स्वर्णाक्षर अंकित, स्वर्ण अक्षर अंकित, ये इसका नाम है। इसमें पूरी व्यवस्थित एक एक ग्रंथ और किताबें जो हम पढ़ते हैं वो हम इसको इसमें लिपिबद्ध करते हैं। आप लोगों को भी अपने जीवन में एक डायरी इस प्रकार मजबूत बड़ी व्यवस्थित कवर भी व्यवस्थित, जिससे ये सुरक्षित रहे, और इसके अंदर सारे जो भी हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है, जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमको यहाँ वहाँ से प्राप्त होती हैं, या शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त होती हैं, या शास्त्र अध्ययन के बीच में पंडित जी साहब के मुख से निकलती हैं, वो सब बातें हमको लिख के रखनी है। क्यों? हमारे क्षयोक्षम क्षयोक्षम ज्ञान का क्षयोक्षम कोई भरोसे वाला नहीं। आज बुद्धि अच्छी प्रशस्त है, कल क्षयोक्षम कैसा, यहाँ कोई भी अकलंक महाराज नहीं है कि एक बार सुना सब याद हो गया, नहीं, आपको लिखना है, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है वहाँ देखना है, और उसके बाद जीवन भर के लिए उसे अपने पास याद रखना है।
तो प्राणों का चार्ट अपने पास बना के रखना है। इसके आगे कहते हैं अरिहंत भगवान के कितने प्राण होते हैं, तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, चार। विशेष इसलिए क्योंकि ये हम प्राय कर भूल जाते हैं। तो अरिहंत भगवान के वचन बल, काय बल, आयु और श्वास। और यदि विशेष पूछा जाता है तो चौदहवें गुण स्थान में कितने प्राण होते हैं, तो चौदहवें गुण स्थान में एक प्राण है मात्र, आयु। ठीक हुआ। चलिए अब हम आगे चलते हैं गाथा नंबर चार। अब जो दूसरा गाथा के अंदर हमने दूसरा शब्द पढ़ा ओगमयो, उपयोगमयी है, उपयोग वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न, तो उपयोग क्या है? तो जीव का विशेष गुण स्वपर को जानने देखने योग्य जो शक्ति विशेष है उसको उपयोग कहते हैं। शक्ति विशेष को उपयोग कहते हैं, या जीव का विशिष्ट गुण, स्पेशल गुण जिसके द्वारा जीव की पहचान होती है उसका नाम है उपयोग। दूसरा प्रश्न, उपयोग के कितने भेद होते हैं? उपयोग के दो भेद होते हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग के कितने भेद हैं? दर्शनोपयोग के चार भेद हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। और हमें इन चारों की परिभाषाएं भी अच्छी तरह याद करके रखनी। ये परिभाषाओं में कोई ना कोई एक परिभाषा आपके प्रश्न पत्र पर प्रायः कर देखने में आती है। ठीक से अच्छे से चारों की परिभाषाएं ध्यान में रखनी कि चारों की परिभाषाएं क्या है। चारों की नहीं, पांचों की, दर्शन की भी। दर्शन क्या है? सत्ता की सामान्य अवलोकन या प्रतिभास का नाम दर्शन है। ज्ञान के पूर्व होने वाले सामान्य अवलोकन या सामान्य प्रतिभास का नाम दर्शन है। फिर इसके बाद चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन क्या है? चक्षु इंद्री या आंख के होने वाले ज्ञान के पूर्व, चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान के पूर्व जो सामान्य अवलोकन होता है उसका नाम चक्षु दर्शन है। अचक्षु दर्शन, न चक्षु इति अचक्षु, जो चक्षु नहीं है अर्थात चक्षु इंद्री के अलावा अन्य इंद्री से होने वाले ज्ञान के पूर्व जो सामान्य अवलोकन है उसका नाम है अचक्षु दर्शन। चक्षु इंद्री और मन के अलावा, चक्षु इंद्री के अलावा इन अन्य इंद्रियां और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान के पूर्व जो अवलोकन होता है उसका नाम है अचक्षु दर्शन। अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान के पूर्व होने वाला सामान्य अवलोकन। और केवल दर्शन, केवल दर्शन की परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो ध्यान से, अभी तक चल रहा था ज्ञान के पूर्व, लेकिन केवल दर्शन में हमको ये ध्यान रखना है कि केवल ज्ञान के साथ या युगपद एक साथ होने वाले वस्तु के सामान्य अवलोकन का नाम केवल दर्शन है। प्रायः ये सही गलत में पूछ लिया जाता है कि केवल ज्ञान के पूर्व होने वाला सामान्य अवलोकन केवल दर्शन है, आप सही कर देंगे, जबकि ये उत्तर है गलत। युगपद एक साथ होता है। गाथा नंबर पांच,
प्रश्नोत्तरी। ज्ञान उपयोग कितने प्रकार का होता है? ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का होता है। ये बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है कि कभी भी यदि ज्ञान के भेद पूछे जाते हैं तो ज्ञान के भेद हैं 8। सम्यक ज्ञान के भेद पूछे जाते हैं तो भेद है 5। और ज्ञान उपयोग यदि पूछा जाता है तब भी हमको 8 ही लिखना है, क्योंकि उपयोग तो नियम से आपका, जब वो मिथ्या दृष्टि रहेगा तब भी उसके पास उपयोग रहेगा, और जब वो सम्यक दृष्टि रहेगा तब भी उसके पास उपयोग तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए उपयोग 8 प्रकार का होता है। ज्ञान या सम्यक ज्ञान जो तत्वार्थ सूत्र आदि में जिनकी चर्चा की गई वे 5 ही होते हैं, ये ध्यान में रखना। आगे कौन कौन से हैं वे 8 ज्ञान? तो मति, श्रुत, अवधि, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष और परोक्ष कौन कौन से ज्ञान हैं? तो आप चाहें दोनों को अलग अलग लिखें, प्रत्यक्ष ज्ञान, तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, ध्यान से, प्रत्यक्ष ज्ञान 2 प्रकार के, एक देश प्रत्यक्ष और सकल देश प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष के भी 2 भेद, एक देश प्रत्यक्ष के 2 भेद, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, और सकल प्रत्यक्ष का 1 भेद केवल ज्ञान। परोक्ष ज्ञान के 2 भेद, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, कई बार ब्रैकेट में प्रश्न उत्तर में पूछते हैं, मति ज्ञान खालिस्तान ज्ञान है, तो मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। अब आपको 8 जो ज्ञान है, इन 8 ज्ञानों की परिभाषाएं ध्यान रखनी सामान्य से यहाँ पे बताई दी जाती है, विशेष आप अपने गाथार्थ में देख लें। मति ज्ञान जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान के द्वारा जाने गए विषय में विशेष जानना। अवधि ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए हुए जानना या बिना सहायता के आत्मा से स्पष्ट जानना। दूसरे के मन में स्थित बातों को जानना, मन पर्याय ज्ञान, और तीनों लोकों के समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक साथ जानना, इसका नाम है केवल ज्ञान। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये तीनों मति, श्रुत, अवधि ज्ञानी जीव जब मिथ्यात्व से सहत होते हैं तब उनका ज्ञान मिथ्या ज्ञान या कुज्ञान अज्ञान रूप में कहलाता है। उसे ही अज्ञान कहते हैं, उसे कुज्ञान कहते हैं, उसे ही मिथ्या ज्ञान कहते हैं। ध्यान विशेष ध्यान रखने योग्य है प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? यद्यपि ये पूछा नहीं जाता डेफिनेशन, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, प्रत्यक्ष जो आत्मा से स्पष्ट होता है, जिसमें इंद्रिय और मन की या उजाले आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। वो 2 प्रकार का, एक देश प्रत्यक्ष और सकल देश प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, और सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान। परोक्ष क्या है? जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है वो कहलाता है परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान के भी 2 भेद, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। इसमें से एक क्वेश्चन प्रति हमेशा पूछा जाता है। इस प्रकार ये आपकी गाथा नंबर 5। गाथा नंबर 6, सामान्य से जीव का लक्षण क्या है? यदि प्रश्न पूछा जाता है जीव का लक्षण लिखिए या सामान्य से जीव का लक्षण क्या है, तो आपको गाथा नंबर 6 लिखनी है।
तो सामान्य से जीव का लक्षण क्या है? तो व्यवहार नय के अनुसार जो आठ ज्ञान और चार दर्शन रूप लक्षण है, उपयोग है, वही जीव का लक्षण है। व्यवहार नय से ज्ञान और दर्शन, आठ प्रकार का ज्ञान और चार प्रकार का दर्शन जीव का लक्षण है। और निश्चय नय से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन जीव का लक्षण है। सामान्य से उपयोग ही जीव का लक्षण है। इस गाथा में विशेष बस इतना ही जानना है कि उपयोग ही जीव का लक्षण है। ठीक, उपयोग की परिभाषा भी सामान्य से पूछी तो नहीं जाती, लेकिन फिर भी आप उसे जानकर रखें। उपयोग किसे कहते हैं? तो जीव के विशेष लक्षण को उपयोग कहते हैं। गाथा नंबर 7, यहां से प्रश्न बनता है, मूर्ति किसे कहते हैं जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, उसे मूर्ति कहते हैं। दूसरा, अमूर्तिक किसे कहते हैं जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता, उसे अमूर्तिक कहते हैं। यदि बड़े प्रश्न के रूप में, मतलब 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में पूछा जाए कि जीव मूर्तिक है या अमूर्त, तो आपको पूरी गाथा का अर्थ अच्छी तरह समझाते हुए लिखना है कि व्यवहार नय की दृष्टि से तो आत्मा कर्मों का बंधन होने से मूर्तिक है, लेकिन निश्चय नय की दृष्टि से स्पर्श रस गंध वर्ण आदि से रहित होने के कारण आत्मा अमूर्तिक है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों नयों के अनुसार सबके लक्षण आचार्य ने दिए हैं, आपको तदनुसार ही प्रवृत्ति करनी। कई बार हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि निश्चय नय से मूर्तिक है कि अमूर्तिक है, और ये वो सही गलत में पूछ लेते हैं। मानो सही गलत में एक प्रश्न दे दिया कि निश्चय नय से आत्मा मूर्तिक है, सही या गलत। तो आपको ध्यान रखना है कि मूर्तिक किस नय से है और अमूर्तिक किस नय से। तो निश्चय नय से हमेशा ही अमूर्तिक है, और व्यवहार नय से कर्मबंध की अपेक्षा मूर्तिक है। ये दोनों सेंटेंस आपको याद रख। तो मूर्त की परिभाषा अमूर्त की परिभाषा, और निश्चय व्यवहार के अनुसार आत्मा की मूर्त अमूर्त पना, ये चार चीजें इसमें मुख्य है। बाकी सामान्य से आपको ये बोध ही है कि वर्ण कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का, रस 5 प्रकार का, गंध 2 प्रकार के, स्पर्श 8 प्रकार का। ये जब आपको इंद्रिय पढ़ाए गए थे सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 के अंतर्गत, तब ये विषय वहाँ पर स्पष्ट है। फिर भी और आप विषय जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको दे दी जाएगी। गाथा नंबर 8, जीव का कर्तृत्व, जीव किससे करता है और किससे करता नहीं है, ये किस चीज का करता है। तो आपको गाथा का अर्थ अच्छी तरह स्मरण में रखना है, जैसे आपको पहले भी कहा किस नए से क्या हुआ, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर भी व्यवहार नए से उद्गल कर्मों का करता है। अशुद्ध निश्चय नय से राग द्वेष आदि चेतन कर्मों का करता है, और शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावों का करता है। यहाँ पर 3 चीजें ध्यान रखनी। पिछली गाथा में 2 थी, निश्चय और व्यवहार, यहाँ व्यवहार, अशुद्ध निश्चय और शुद्ध निश्चय।
तो व्यवहार नय सबसे पहले व्यवहार नय से तो खुदगल कर्म का करता है, निश्चय नय से आत्म परिणामों का चेतन कर्मों का करता है, और शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावों का करता है। कदाचित प्रश्न पूछ लिया जाए कि खुदगल कर्म कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। प्रश्न पूछ लिया जाए चेतन कर्म कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है राग, द्वेष आदि। ठीक, यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि शुद्ध भाव कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल आदि। ठीक, चलिए ये आपके कर्ता से प्रश्न हुआ। जीव कर्ता है, व्यवहार नय से उद्गल कर्मों का, अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का, और शुद्ध निश्चय नय से स्वयं के शुद्ध परिणामों का करता है। कर्ताओं से प्रश्न प्रायः इसी रूप में बार बार करके पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसका स्मरण भी बहुत अच्छी तरह रखना है कि एक ही प्रश्न का उत्तर हमको बहुत स्पष्ट कैसे समझ में आए। जब हम गाथाएं और गाथाओं के जो अर्थ है, अन्वय अर्थ दिया, इसको एक बार अच्छी तरह हमारे दिमाग में सेट कर लें। उसको सेट करने के लिए हमको क्या करना, उसको सेट करने के लिए हमें प्रतिदिन गाथाओं का पाठ करना है और उनका अर्थ देखना है। ये संकल्प कर लें आज से ही, जब तक एग्जाम नहीं होंगे हम प्रतिदिन ध्रुव संग्रह जी का पाठ करेंगे और उसका अर्थ लगाने का प्रयास करेंगे। यदि आप गाथाएं आपको याद हो जाएं और उनका अर्थ लगाना आप सीख जाएं, फिर पेपर में कुछ भी लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसा प्रश्न उन्होंने पूछा तुरंत आपने गाथा याद की। अच्छा, खुदगल, अच्छा कर्ता, कर्ता कहाँ कहाँ, उगल कम्मादीणम कर्ता, कैसे होता है, व्यवहार दो, अच्छा व्यवहार से उद्गल कर्मों का करता है, और आगे निश्चय नय दूर चेतना जस्य, और निश्चय नय से तो चेतन कर्मों का करता है, शुद्ध नया शुद्ध भावान, तो शुद्ध नय की अपेक्षा से शुद्ध भावों का करता है। तो अगर आपको गाथा याद हो जाए तो बहुत अच्छा एक्सीलेंट परिणाम आपके सामने आएंगे। इसलिए आपको प्रत्येक गाथा को, प्रत्येक श्लोक को अगर याद आपको कर लिया आपने, तो आपको किसी भी चीज़ के प्रश्न उत्तर को अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी जिनका क्षेत्रक्षम थोड़ा सा वीक है या जिनको जल्दी याद नहीं होता है, भी अच्छी तरह ध्यान रखें कि कम से कम प्रतिदिन हम गाथाओं का पाठ आधा करें, कम से कम 27 गाथाओं का पाठ प्रतिदिन करें। इतना भी करेंगे तो हम कम से कम 70% पेपर कर पाएंगे। 70% मतलब 50 नंबर का पेपर है तो आप 35 नंबर का पेपर तो कर ही पाएंगे। अब उसमें आएंगे कितने वो अलग बात है, लेकिन इतना पेपर आप अच्छी तरह लिख पाएंगे। ठीक, कथा नंबर 9। अब यहाँ पे भोक्ता की बात करते हैं तो बतलाते हैं आत्मा व्यवहार नय से, ध्यान से जो हम बार बार कह रहे हैं कि निश्चय और व्यवहार से क्या क्या होता है, ये ध्यान में रखना है। आत्मा व्यवहार नय से सुख दुख रूप उद्गल कर्मों के फलों को भोगता है, और निश्चय नय से आत्मा अपनी चेतन भावों के फलों को भोगता है। व्यवहार नय से उद्गल कर्मों को करता था, इसलिए व्यवहार नय से ही उद्गल कर्मों को भोगता है। उद्गल कर्मों के जो फल आएंगे सुख दुख रूप उनको भोगेगा, और निश्चय नय से जो उसने शुभ परिणाम किए थे, शुद्ध परिणाम किए थे, उन शुद्ध परिणामों के फलों को भोगता है। स्पष्ट है इसमें, इसमें कुछ आपको विशेष अलग से याद करने की या जानने की जरूरत नहीं। गाथा नंबर 10, यहाँ पे विषय थोड़ा सा ज्यादा है, क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको सामान्य जो गाथा है और उसकी स्थिति है वो समझनी, क्या जो आत्मा है वो व्यवहार नय से जिस शरीर में स्थित है उस शरीर से कुछ कम प्रमाण वाली होती है। पहला सेंटेंस क्या याद रखना,
आत्मा जो है वो जिस शरीर में रहती है उस शरीर से कुछ कम होती है या फिर उस शरीर के प्रमाण होती है। कुछ कम यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं, कुछ सिद्धों के साथ लगाएंगे तब याद करना। अभी तो आपको ये याद रखना, जिस शरीर में रहती है उस शरीर के प्रमाण होती है, ये व्यवहार में से। और निश्चय में से असंख्या प्रदेश वाली है। फिर ये असमुद्घात आदि इनकी जरूरत आपको नहीं, सामान्य से नहीं भी लिखे तो चलेगा कि समुद्घात के अलावा अन्य अवस्थाओं में जिस शरीर के में होती है उस शरीर के बराबर होती है। लेकिन जब विशेष में हम चलेंगे तो हमें याद रखना है समुद्घात किसे कहते हैं, समुद्घात के कितने प्रकार होते हैं, और परिभाषाओं में समुद्घात की सातों परिभाषाओं में से एक कोई परिभाषा पूछ ली जाती है। और भेदों में समुद्घात मुख्य विषय होता है। समुद्घात आपको लिखना है सात और सातों के नाम, वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, तैजस, आहार और केवली। और इनके इनकी डेफिनेशन भी आपको अच्छी तरह याद करनी है। समुद्घात पर हमने एक अच्छा वीडियो आपको तैयार कर दिया है, आप पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, पूरा वीडियो आपको अलग से दे दिए, उसमें समुद्घात समझाया, वहाँ से आप समुद्घात को समझें और समुद्घात को याद रखें। यहाँ से इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। गाथा नंबर 11, संसारी जीव के भेद। तो संसारी जीव के सामान्य से दो भेद होते, कृश और स्थावर। ठीक, स्थावर जीव किसे कहते हैं, एक इंद्रिय जीव को स्थावर कहते हैं, और त्रस किसे कहते हैं, दो इंद्री आदि जीवों को, या दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्रिय जीवों को त्रस कहते हैं। स्थावर कितने प्रकार के होते हैं, स्थावर पांच प्रकार के होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। ठीक, और विशेष में तो आपको ध्यान रखना है शंख दो इंद्री, चींटी तीन इंद्री, मोरा मच्छर आदि चार इंद्रिय जीव होते हैं। बस इससे ज्यादा इस गाथा में आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है। शब्द जरूर यहाँ पे विशेष दिए हैं, ध्यान रखना, जैसे पूर्वी, पूर्वी मतलब पृथ्वी, तेव, तेव मतलब तेज अग्नि, बनपथि, बनपथि मतलब वनस्पति, और बिग मतलब दो, तिग मतलब तीन, चतु मतलब चार, पंच मतलब पांच, अखा मतलब इंद्री। ये कुछ शब्द यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, बाकी तो सब आपके सिद्धांत प्रवेशिका भाग एक का विषय है। स्थावर किसे कहते हैं, त्रस किसे कहते हैं, और या किसी जीव को बारे में पूछ सकते, या सामान्य से संसारी जीव के भेद लिखिए, तो सामान्य से दो भेद, त्रस और स्थावर, स्थावर के पांच, त्रस के चार, पृथ्वी त्रस के दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री। ठीक हुआ, अब इसको ही कंक्लूड करते हैं गाथा नंबर 12। 12 का विषय यदि विशाल है, लेकिन फिर भी उसे इसी में यदि भेदों को अपन कंक्लूड कर लेंगे तो हमारे विषय को अच्छी तरह समझने में हमको फायदा आता। तो अमन से पंच इंद्रिय के भेद यदि पूछ लिए जाए तो आपको उनको भी ध्यान में रखना है, वो भी दो हैं, कौन कौन से, संघी पंच इंद्रिय और असंघी पंच इंद्रिय। इस प्रकार के जीव का टोटल भेद है। मनो बड़े प्रश्न में जीव के भेदों को अच्छी तरह समझाइए तो आपको ध्यान में ही रखना। गाथा नंबर 12 में बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी है, याद रखनी है, जैसे जीव समास, जैसे पर्याप्ति, ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह ध्यान रखनी है, क्योंकि पर्याप्ति और जीव समास ये दोनों आपको भेदों में भी पूछे जा सकते हैं और परिभाषा के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जो गाथा है उसमें से आपको क्या पूछा जा सकता है, तो पंच इंद्रिय जीव के कितने भेद होते हैं, पंच इंद्रिय के दो भेद होते हैं, संघी असंघी। संघी किसे कहते हैं, जिसमें अपने हित के उद्देश्य को ग्रहण करने की सामर्थ्य हो, ऐसे मन वाले जीव को संघी कहते हैं।
असंगी किसे कहते हैं? जिसमें स्वयं के हित के उपदेश को ग्रहण करने की सामर्थ्य ना हो, ऐसे मन रहित जीव को असंगी कहते हैं। केवल पंच इंद्रिय जीव ही संगी या असंगी होते हैं, बाकी सभी चार इंद्रिय तक सभी जीव बिना मन वाले असंगी होते हैं। ये पॉइंट विशेष याद रखना, प्रायःकर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तीन इंद्रिय जीव संगी है या असंगी। आपको ध्यान रखना है एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक जीव नियम से असंगी होते हैं। निम्बणा परे सब्बे, बाकी सभी जीव निम्बणा बिना मन वाले होते हैं। एक इंद्रिय जीव के मुख्यतया दो भेद किए, बादल और सूक्ष्म। ठीक, अब जीव समास के अनुसार याद रखेंगे तो आपको ध्यान रखना है पहले सात भेद और उनमें पर्याप्तक और अपर्याप्तक ये दो शब्द और जोड़ देने से उनके 14 भेद बन जाते। कैसे बनाएंगे देखते हैं। सूक्ष्म एक इंद्री, बादल एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, टोटल हुए सात। इन सातों में पर्याप्तक और अपर्याप्तक शब्द का प्रयोग करने से अपर्याप्तक सूक्ष्म एक इंद्रिय, पर्याप्तक सूक्ष्म एक इंद्रिय, अपर्याप्तक बादर एक इंद्रिय, पर्याप्तक बादर एक इंद्रिय, इस प्रकार हम क्रमशः चलेंगे तो ये हमारे टोटल 14 भेद बन जाएंगे। इनको बोलते हैं 14 जीव समास। परिभाषा के रूप में पूछा जाए कि जीव समास किसे कहते हैं तो आपको ध्यान रखना है जीवों को जिनके द्वारा खोजा जाए या जीव जहाँ तिष्ठते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, उन्हें जीव समास कहते हैं। जिसके द्वारा अनेक प्रकार के जीवों के भेदों को जाना जाए उसे जीव समास कहते हैं। जीव समास के भेद कितने? 14। फिर पर्याप्तक और अपर्याप्ति, इनको ध्यान रखना है। जिनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई है वे पर्याप्तक, जिनकी पूर्ण नहीं हुई है वे अपर्याप्तक, और जिनकी आगे चलकर पूर्ण होगी उन्हें निर्वृत्ति पर्याप्तक कहते हैं। तीन शब्द हैं, अच्छी तरह हमने पर्याप्ति में समझाया है, जिसकी भी लिंक आपको किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तीनों को ध्यान में रखना, जिनकी पर्याप्ति पूर्ण हो, शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई है वे पर्याप्तक, जिनकी एक भी पर्याप्ति न पूर्ण हुई है न होगी वे लब्धिया पर्याप्तक या पर्याप्तक, दोनों एक ही बात। ठीक, और जिनकी पर्याप्तियां शुरू तो हो गई हैं अभी पूर्ण नहीं हुई हैं आगे चलकर पूर्ण होंगी वे निर्वृत्ति पर्याप्तक कहलाते हैं। छियों पर्याप्तियों की परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है, कोई ना कोई एक पर्याप्ति की परिभाषा परिभाषाओं के रूप में पूछी जा सकती है। आहार पर्याप्ति, जिसमें वर्गणाओं का ग्रहण करना, उन्हें ठोस और रस दो भागों में विभक्त करना। ठीक, शरीर पर्याप्ति में रस भाग से रक्तादि की शक्ति और ठोस से हड्डी आदि अवयवों की शक्ति, इंद्रिय पर्याप्ति से पांचों इंद्रिय या जितने इंद्रिय जीव है उनकी इंद्रियों की योग वर्गणाओं को इंद्रियों रूप करने की शक्ति, श्वास वायु के आदान प्रदान रूप जो शक्ति है श्वास ग्रहण करने की शक्ति, भाषा वचन योग के माध्यम से जो भाषा वर्गणाएं हैं उनको वचन रूप परिणमाने की शक्ति, और मनः पर्याप्ति तो द्रव्य मन रूप होने योग्य मनोवर्गणाओं को द्रव्य मन के आकार को परिणमाने की शक्ति अर्थात मन के बनाने की शक्ति। इस प्रकार ये जीव समास को अच्छी तरह ध्यान रखें और उनके भेद आपको अच्छी तरह करते हुए ध्यान में रखना कि इनके भेद इस प्रकार से कन्फ्यूज होते हैं। एक बार पुनः जीव समास को देख लें,
सूक्ष्म एक इंद्री, पादर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचिंद्री, संघी पंचिंद्री, ये टोटल हुए सात। इन सातों के पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेद से दो दो भेद कर दो। तो अपर्याप्तक सूक्ष्म एक इंद्री, पर्याप्तक सूक्ष्म एक इंद्री, अपर्याप्तक बादर एक इंद्री, अपर्याप्तक बादर एक इंद्री, पर्याप्तक बादर एक इंद्री, अपर्याप्तक दो इंद्री, पर्याप्तक दो इंद्री, अपर्याप्तक तीन इंद्री, पर्याप्तक तीन इंद्री, अपर्याप्तक चार इंद्री, पर्याप्तक चार इंद्री, अपर्याप्तक असंघी पंचेंद्री, पर्याप्तक संघी पंचेंद्री, अपर्याप्तक असंघी पंचेंद्री, पर्याप्तक संघी पंचेंद्री। इस प्रकार हम टोटल 14 भेद करते हैं। यदि आगम ग्रंथों में अनेक भेदों की चर्चा अनेक स्थानों पर की गई है, लेकिन यहाँ पर सामान्य से मात्र हमें इतना ही स्मृति में रखना है। विशेष यहाँ पे जानने की आवश्यकता नहीं है, अभी द्रव्य संग्रह में इतना ही पर्याप्त है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कितनी गाथा तक जीव तत्व की मुख्यता से वर्णन है, तो एक से लेकर 14 तक, 2 से 14 तक तो मुख्य मुख्य है। इसके बाद अजीव तत्व का कथन प्रारंभ होता है गाथा नंबर 15, अजीवो गुणेव। अब यहाँ से अजीव को जानिए। सबसे पहला प्रश्न, अजीव के कितने भेद हैं? तो अजीव के 5 भेद हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक। दूसरा प्रश्न, कौन कौन से द्रव्य मूर्तिक हैं, या कौन कौन से द्रव्य अमूर्तिक हैं? इस प्रकार का प्रश्न प्रायः पूछा जाता है, और इसमें से तो आपको एक ना एक प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को आएगा। मान उन्होंने दे दिया धर्म द्रव्य मूर्तिक है, सही या गलत, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा द्रव्य मूर्तिक है, कौन सा द्रव्य अमूर्तिक है। तो इसको आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह लिख लें। 6 द्रव्यों के अंतर्गत उद्गल, उद्गल नित्य मूर्तिक है, नित्य मूर्तिक का हमेशा मूर्तिक है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चारों हमेशा नित्य अमूर्तिक है। ध्यान से, उद्गल नित्य मूर्तिक है, हमेशा मूर्तिक है, और धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये नित्य अमूर्तिक है। अब बचा जीव, तो जीव के विषय में आपको विशेष ध्यान रखना है। जीव निश्चय नय से अमूर्तिक है और व्यवहार नय से मूर्तिक है। ठीक हुआ, ये आपको इस गाथा से मैं विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आचार्य भगवंत ने दिया कालो उगल मुत्तो रूपादि गुरु, उद्गल मूर्तिक है, रूपादि गुण वाला होने से, मूर्त अमूर्त के विषय में पहले आपको बतला दिया। शेषा अमूर्ति, बाकी सब अमूर्तिक हैं। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। गाथा नंबर 16, उद्गल द्रव्य की पर्याय। उद्गल द्रव्य की 10 पर्याय होती हैं। कई बार ये 2 नंबर 3 नंबर का जो प्रश्न आता है उसमें पूछ ली जाती है, उद्गल द्रव्य की 10 पर्याय लिखिए। आपको ध्यान रखना है, शब्द, वंद, सूक्ष्म, स्थूल, संसार, भेद, अंधकार, छाया, उद्योग और आतप, ये 10 पर्याय होती हैं। प्राय अगर शब्दार्थ में 2 शब्द बहुत प्रॉब्लमली पूछ लिए जाते हैं, उद्योत, उज्जोत शब्द आता है, उसका अर्थ है उद्योत, उसका अर्थ होता है शीतल प्रकाश, चंद्रमा की चांदनी या जुगनू का प्रकाश। दूसरा है आदव, आतप, वहाँ ऊष्म प्रकाश, ऊष्म प्रकाश, ऊष्ण प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश,
ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछने में आता है। गाथा नंबर 17, धर्म द्रव्य की परिभाषा लिखिए। परिभाषाओं में धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उद्गल, इन पांचों द्रव्य की परिभाषाएं पूछी जाती है। तो उद्गल की परिभाषा क्या है? जो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वह उद्गल है। फिर धर्म द्रव्य की परिभाषा, जो चलते हुए जीव और उद्गल को चलने में सहकारी कारण है वह धर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य, जो ठहरते हुए जीव और उद्गल को ठहरने में सहकारी कारण है वह अधर्म द्रव्य। आकाश द्रव्य, जो समस्त द्रव्यों को अवगाह, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, स्थान अवकाश प्रदान करने वाला है उसका नाम आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य के दो भेद हैं, अभी उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अंतिम है काल। काल क्या है? जो परिणमित होते हुए संपूर्ण द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण है उसका नाम है काल द्रव्य। ठीक, चलते गाथा नंबर 17 से पहला प्रश्न तो बता दिया, धर्म द्रव्य का स्वरूप या धर्म द्रव्य की परिभाषा। अब एक अच्छा प्रश्न यहाँ पे कई बार पूछ लिया जाता है, धर्म द्रव्य में किसका उदाहरण दिया गया है? आपको ध्यान रखना है, तोयम जह मच्छाणम, जैसे मछली पानी में। ठीक, अधर्म द्रव्य गाथा नंबर 18, अधर्म द्रव्य का स्वरूप। यहाँ पर भी सेम प्रश्न, अधर्म द्रव्य की परिभाषा आपको बतला दी गई। उदाहरण में छाया जह पहियाणम, जैसे पथिक के लिए, यात्री के लिए छाव। गाथा नंबर 19, सेम प्रश्न, आकाश द्रव्य का स्वरूप या परिभाषा बता दी गई। आकाश के भेद दो, लोकाकाश और अलोकाकाश। गाथा नंबर 20, लोकाकाश का स्वरूप लिखिए या लोकाकाश की परिभाषा। तो जिसमें जीवादि क्षयों द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। और अलोकाकाश, जिसमें जीव उद्गल धर्म अधर्म और काल नहीं पाया जाता उसे अलोकाकाश कहते हैं। गाथा नंबर 21, काल द्रव्य का स्वरूप, सामान्य स्वरूप हमने आपको बतला दिया। परिणमित होते हुए जीव और जीवादि द्रव्यों के परिणमन में जो सहकारी कारण है वह दो प्रकार का, निश्चय काल, व्यवहार काल, इन दोनों में से कोई एक परिभाषा पूछी जाती है। तो ध्यान रखें, निश्चय काल क्या है? वर्तना या परिणाम का नाम, परिणमन का नाम ही निश्चय काल है। व्यवहार काल क्या है? घड़ी, घंटा आदि के द्वारा उस परिणमन की गणना करना, उस परिणमन को काउंट करना, इसका नाम व्यवहार काल है। व्यवहार काल के पांच भेद भी बतला जाते हैं, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व। ठीक, ये काल के पर्याय, काल के भेद के रूप में प्रयुक्त होते। गाथा नंबर 22, काल द्रव्य के प्रदेश। काल द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? तो इसके लिए आप एक चार्ट आपको दिया गया था, प्रदेश के विषय में बहुत अच्छी तरह समझाया गया, उसको स्मृति में रखना कि किस द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं। ध्यान से सारे प्रदेशों को अच्छी तरह याद रखना, इसमें से आप एक सही गलत या फ्लिंदी ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाता। एक द्रव्य आपको ऊपर दे दिया जाएगा, मानो अधर्म द्रव्य के प्रदेश हैं, संख्या, असंख्या, अनंत, एक, इस प्रकार। तो आपको ध्यान रखना है, तो क्रमशः पुनः एक बार देख लें। जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेश, यद्यपि ये आगे गाथा नंबर
आगे आएगा लेकिन फिर भी यहीं पे लिख लें। जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेश प्रत्येक जीव, ठीक। उद्गत तीनों प्रकार के प्रदेश, एक प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेश। प्रश्न पूछ लिया जाता है उपर्युक्त तीनों, तो आपको यह ध्यान रखना उपर्युक्त तीनों पर मार्क लगाना। इसके बाद उद्गल परमाणु, ध्यान रखें एक प्रदेशी। इसके बाद धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश। इसके बाद अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश। इसके बाद आकाश अनंत प्रदेश, ध्यान रखें आकाश अनंत प्रदेश। इसके दो भेद लोकाकाश असंख्यात प्रदेश और अलोकाकाश अनंत प्रदेश। ये बहुत ध्यान रखनी इन दोनों में, लोकाकाश असंख्यात प्रदेश और अलोकाकाश अनंत प्रदेश। और काल द्रव्य एक प्रदेश, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गाथा नंबर 22 से एक प्रश्न और बनता है, काल द्रव्य को किसका उदाहरण, काल द्रव्य के अनुरूप किसका उदाहरण दिया गया, तो रत्नों की राशि के समान, ठीक। दूसरा प्रश्न, काल द्रव्य टोटल कितने हैं, काल द्रव्य के प्रदेश टोटल, काल द्रव्य के अणु टोटल कितने हैं, असंख्यात प्रदेश एक और टोटल असंख्यात। संख्याएं भी आप चाहें तो याद कर लें, जीव अनंत, उद्गल अनंतानंत, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक और काल असंख्यात, ठीक। चलिए आगे गाथा नंबर 23, कितनी द्रव्य अस्थिकाएं हैं, 5, काल विजुक्तम, काल द्रव्य को छोड़कर, ठीक। गाथा नंबर 24, अस्थिकाएं किसे कहते हैं या अस्थिकाएं की परिभाषा प्रायः पूछ ली जाती है, तो अस्थि प्लस काय इजिकल टू अस्थिकाय। अस्थि क्या है विद्यमान, सत उसका नाम है, वो है अस्थि। काय अर्थात बहुप्रदेशी पना, एक से अधिक प्रदेशों का होना, इसका नाम है बहुप्रदेशी पना। जो बहुप्रदेशी है उसका नाम अस्थिकाय है। कौन कौन अस्थिकाएं हैं, तो जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश, काल को छोड़कर। गाथा नंबर 25, द्रव्य के प्रदेशों की संख्या, ये आपको अच्छी तरह बता दिया, ध्यान से इसको याद रखें, एक चार्ट बना लें अपने परमानेंट, उसको स्मृति में रखें। गाथा नंबर 26, यहाँ से प्रायकर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पुद्गल के एक परमाणु को या पुद्गल के परमाणु को एक प्रदेशी होने पर भी बहुप्रदेशी पना या अस्थिकाय क्यों कहते हैं, इसका उत्तर है उपचार से, ठीक। स्कंद बनने की अपेक्षा उपचार से बस। गाथा नंबर 27, प्रदेश किसे कहते हैं, प्रदेश किसे कहते हैं, उत्तर एक उद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। दूसरा प्रश्न, क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, अर्थात क्षेत्र को मापने का सबसे छोटा मापदंड क्या है, मेजरमेंट, उसका नाम है प्रदेश। इस प्रकार है आपका अजीव अधिकार या अजीव वर्णन करने वाली गाथाएं पूर्ण हुई। अब आगे हम तत्व के विषय में, पदार्थ के विषय में निर्णय करेंगे।